Breaking news coming in, Harak Singh Rawat joining Congress. He was a minister in Pushkar Singh Dhami's BJP-led government in Uttarakhand. He was suspended a few weeks ago and now he has gone back to Congress. The big switch continues with netas from one party joining the other just days before polls. Let's go across and listen into a conversation that Supriya Bhardwaj had with Rawat. सिंह रावत, रावत साहब, आपने कांग्रेस ज्वाइन कर लिया है, किन शर्तों के साथ आज कांग्रेस पार्टी आपने ज्वाइन की? कोई शर्तें नहीं है, सिर्फ एक ही शर्त है कि उत्तराखंड में कांग्रेस की सरकार बने, भाजपा की विदाई हो, उत्तराखंड के नौजवानों की तकदीर कैसे अच्छी हो, रोजगार कैसे मिले, उत्तराखंड के माता बहनों की दुख तकलीफें कैसे दूर हों, सिर्फ एक यही शर्त है। और इस शर्त पर एक गिलेरी की तरह एक छोटे कार्यकर्ता के रूप में मैं उत्तराखंड में भाजपा की विदाई करने में, कांग्रेस की सरकार लाने में जो भूमिका निभा सकता हूँ उस भूमिका को मैं निभाऊंगा। बीजेपी कह रही है भगोड़े हो गए। बीजेपी तो खुद ही भगोड़ों की पार्टी है, क्योंकि मैं देखिए सारे भारतीय जनता पार्टी में जो मैक्सिमम लोग आए वो दूसरी पार्टियों से आए, और इसलिए मैं भगोड़ा नहीं हुआ हूँ। मैं कांग्रेस में, मैं देखिए ये ठीक है कि मैं चाहे कितना दुखी था लेकिन मैं फिर भी नहीं छोड़ना चाहता था भारतीय जनता पार्टी को, लेकिन उन्होंने गलत समाचारों के आधार पर एक निर्णय लिया, तो ठीक है निर्णय ले लिया ना। मैंने सिर्फ इस शब्द को निभाने के लिए कि माने अमित शाह जी ने मुझको एक दिन टेलीफोन करके कहा था, खैरक सिंह जी तेरे मेरे दोस्ती अंतिम सांस तक रहनी चाहिए, ये दोस्ती टूटनी नहीं चाहिए। मैं सिर्फ उस एक सेंटेंस को निभाने के लिए सारे दुख तकलीफों को झेल के भी, बहुत सारी परेशानियों को झेलने के बाद भी उस वायदे को पूरा करने के लिए भाजपा में बना हुआ था, लेकिन आज मैंने नहीं वायदा तोड़ा है, अमित शाह जी ने वायदा तोड़ा है। उन्होंने मुझे पार्टी से निकाला, वो भी सिर्फ आप, मैं खुद कहना चाहता हूँ, मैं दिल्ली आ रहा था, प्रहलाद जोशी जी ने मुझे दिल्ली बुलाया, मैं दिल्ली आ रहा था, किसी सोशल मीडिया में किसने फर्जी समाचार चला दिया कि मैं माने सोनिया गांधी से मिलने के लिए पहुंच गया। हरक सिंह जी, अब जो है सिचुएशन क्या है, अब आप क्या पूर्ण तरह से आ गए हैं कि अगर बीजेपी बुलाएगी तो फिर वापस चले जाएंगे? नहीं, अब तो कहां से, मैं आज विधिवत रूप से देख नहीं रहे कि कांग्रेस का, कांग्रेस के पूरे रंग में रंगा हुआ नहीं दिख रहा आपको मुझे? कांग्रेस के रंग में रंग गए हैं, लेकिन अगर जो है आगे की बात की जाए तो आगे क्या क्या आप पूरे जोर शोर के लड़ेंगे? पिछली बार आपने कहा कि मुझे इतनी घुटन इतने सालों में महसूस नहीं हुई जितनी मुझे बीजेपी में हुई थी, लेकिन फिर भी मैं चल रहा था। अभी भी आपने कहा मैं बड़ा दुखी था, फिर भी मैं चलता था। इससे आज से 4-5-6 महीने पहले उस समय तक तो ये निर्णय भी नहीं था। मैंने खुद कहा कि मैं 91 से लेकर लगभग 30 साल उत्तर प्रदेश से लेकर उत्तराखंड में मंत्री के रूप में मुझे काम करने का मौका मिला है, मैं सबसे ज़्यादा निराशाजनक मेरा कोई कार्यकाल रहा है मंत्री के रूप में तो वो ये 5 साल का रहा है, 17 से लेकर 22 तक का कार्यकाल मेरा अपने पूरे जीवन का सबसे ज़्यादा निराशाजनक कार्यकाल रहा। और ये बात मैंने आज नहीं कही, मैंने 6-7 महीने पहले एक किसी कार्यक्रम में कही, उसको बड़ा बल्कि मीडिया ने भी और भाजपा के लोगों ने भी इसको गलत ढंग से लिया। मैंने कहा देखिए जो सच है, नहीं कर पाया मैं काम, मैं कोटद्वार में मैंने वायदा किया था कोटद्वार की जनता से मेडिकल कॉलेज बनाऊंगा, मैंने इस्तीफे की धमकी दी, अभी जब अंतिम मंत्रिमंडल की मीटिंग थी तब जाके 25 करोड़ का जियो कराया, मैं धर्मेंद्र प्रधान से लेकर जावड़कर जी से लेकर सबसे कहता रहा कोटद्वार में सेंट्रल स्कूल बनाओ, नहीं जियो जारी करा पाया। तो फिर आपने हरीश रावत को कैसे मनाया, वो तो बड़े नाराज थे, सुना था कि काफी नाराज नजर आ रहे थे आपसे? वो तो आप कह रही थी ना, मैंने कहा था, वो खबरें आ रही थी, वो तभी इतने दिन तक आपको रोक लगा रखी थी, ऐसे ना खबरों तो लास्ट मिनट में कैसे मनाया आपने? देखिए कोई नाराज नहीं थे, वो बड़े भाई हैं और वो उन्होंने जब ये बात भी नहीं थी, अभी एक नेशनल चैनल के कार्यक्रम में उन्होंने, मैं भी था उस कार्यक्रम में, उन्होंने कहा मेरी तारीफ की उन्होंने मन से उस कार्यक्रम में, उसमें तो दूर दूर तक मुझे कांग्रेस में आने की कोई संभावना भी नहीं थी, लेकिन उसमें कहा उन्होंने कि भाई इस मेरा छोटा भाई है, उसमें प्रतिभा है, उसमें मैं भविष्य देखता हूँ, ठीक है एक परिस्थितियाँ बनी और उस परिस्थितियों के कारण अब मैं, मेरा सबसे बड़ा माफी सबसे ज़्यादा पराश्रित ये होगा कि अगर मैं कांग्रेस से सरकार लाने में कामयाब हो गया एक कार्यकर्ता के रूप में तो क्या तो मुझे लड़ेंगे चुनाव? नहीं, चुनाव लड़ने से क्या होता, पार्टी मुझे जो जिम्मेदारी देगी, पार्टी मुझे जो काम सौंपेगी मैं वो काम करूंगा। तो आपको जो अभी उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हैं उनके उनके बारे में क्या कहना है, क्योंकि कहा था उनसे भी आप बहुत नाराज थे? नहीं, मैं उनसे कोई नाराज नहीं था,
त्रिवेंद्र रावत जी ने जरूर मेरे विधानसभा क्षेत्र के तमाम धामी जी जो भी हैं, नहीं त्रिवेंद्र रावत जी ने मेरे क्षेत्र के विकास कामों को मेरे विभागों में काम नहीं मुझे करने दिया। मैं झूठ क्यों कहूँगा, धामी जी से मेरी कोई नाराज़ी नहीं है, लेकिन क्योंकि अब ऐसा दुर्भाग्य है कि आपने 4 साल एक मुख्यमंत्री रखा, अचानक हटा के तीरथ सिंह रावत मेरा शिष्य रहा यूनिवर्सिटी में, मैंने उसको राजनीति में आगे बढ़ाया है, छात्र संघ का मैं यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर था, तो मैंने उसको रात आपने उसको मुख्यमंत्री बनाया, चलो बना दिया, फिर 3 महीने बाद आपने तीसरा बना दिया, मतलब क्या उत्तराखंड की जनता के साथ मजाक हो रहा है, और ऐसा लग रहा है कि उत्तराखंड की जनता की भावनाओं का सम्मान भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्र नेतृत्व तो नहीं करता है। राष्ट्र नेतृत्व को सिर्फ ऐसे लोग चाहिए उत्तराखंड में, ये मैसेज देना चाहते हैं कि हम जिसको चाहेंगे उसको मुख्यमंत्री बना देंगे। आखिरी सवाल है, तो फिर दिल्ली से अब देहरादून आप क्या मैसेज भेजना चाहते हैं? मेरा सिर्फ एक मैसेज है, एक संदेश उत्तराखंड के लोगों को ले देना चाहता हूँ कि आप किस बेटे आप किस भाई ने पिछले 30-35 साल 40 साल के राजनीतिक जीवन में अगर आपकी थोड़ी सी सेवा की है, आपको मेरे पे जरा सा भरोसा है, आपको लगता है कि मैंने जो निर्णय लिया है अच्छा निर्णय लिया है, तो मैं प्लीज़ मैं हाथ जोड़ के आपके चरणों में निवेदन करना चाहता हूँ कि भाजपा की विदाई करें, कांग्रेस को आशीर्वाद दें, उत्तराखंड की तरक्की, उत्तराखंड के नारे को आज दो अभी दो, उत्तराखंड राज्य दो, कोदा झंगोरा कहेंगे, उत्तराखंड बनाएंगे, उन शहीदों के सपने को पूरा करने के लिए आप सबका उत्तराखंड के लोगों का आशीर्वाद हमें चाहिए। तो ये थे मलदार रोज मिस्टर हरक सिंह रावत स्पीकिंग टू अस विद जर्नलिस्ट अभिषेक सुप्रभात ऑफ इंडिया टुडे इन दिल्ली। Supriya there in conversation with Harak Singh Rawat, and he is today's big switcher. We've been tracking for you a spate of candidates that have just been switching parties pre-elections. He is now back in Congress and talking to us here on the reasons for joining as well. If we just take you through the breaking news at this hour, he was a minister in Pushkar Singh Dhami's BJP-led government in Uttarakhand. He was suspended a few weeks ago, in fact, and now he's gone back to Congress. And this is the next of the big switches that we're tracking for you. That's today's big switch. And he's in fact, this is just days before polls now. Harak Singh Rawat switching at this point of time. He's gone back to the Congress. He was suspended by BJP and he's now gone back to the Congress party. We'll of course get you more details on what he has said his reasons are for switching. In fact, Supriya, we were listening into a very detailed interview. Take us through the highlights. Why the reasons for the switch? Well, as far as the switch is concerned, there were already these murmurs in Uttarakhand that Harak Singh Rawat is going to shift because the Congress government is coming. So Harak Singh Rawat also, in his interview when he had spoken for the first time after he got expelled from BJP, had said that the government of Congress is coming in Uttarakhand, and that's why whether he's part of the party or not, he will work towards defeating BJP. Now today when he joined the Congress party along with his daughter-in-law, he came out from Congress's war room and said the same thing. He said that no condition has been put by him, and he is at the moment given Congress party a free hand as from where they want to field him or his daughter-in-law in these upcoming assembly election. At the moment in Congress's war room, there is this CEC meeting going on of Uttarakhand Congress. A screening committee meeting is going on, and by tomorrow evening the Congress is all set to finalize its candidates for Uttarakhand. And that's why today we saw that Harak Singh Rawat went to Congress war room in Delhi 15 GRG, where he met Harish Rawat, and we are hearing that another topmost Congress leaders were also present there whom he has met. And finally, officially, he has joined the Congress. Before he joined the Congress, there were these information coming in from both the quarters that he was also in touch with the BJP leaders, right? When we asked about that very issue, he said categorically, Abha,
that that's not the case, and he is going to now go all out and fight against BJP. So a massive showdown between Harak Singh Rawat and BJP has started. And as far as the Congress is concerned, there is one big section which is not happy with Harak Singh Rawat coming into the Congress party, because they say that when last time the Congress government fell in Uttarakhand, it was only because of Harak Singh Rawat. All right, Supriya, thanks for joining us with that.